जब भी हम मेडिसिन की बात करते हैं तब हमारी आंखों के सामने छोटी छोटी गोलियों वाले पत्ते आ जाते हैं। हमें लगता है कि ये जो छोटी छोटी गोलियों वाले पत्ते हैं, ये जो इंजेक्शंस हैं, यही दवाई हैं। दोस्तों हमारे घर की किचन में भी ढेर सारी दवाइयां हैं। ये जो जीरा आप खाते हैं, ये जो अजवाइन आप खाते हैं, मेथी का दाना, हल्दी, दोस्तों ये सारी भी दवाइयां यानी मेडिसिन ही हैं। लेकिन हम लोगों के मन में एक ही बात छपी हुई है कि जो छोटी छोटी गोलियां हैं सिर्फ वही दवाई होती हैं। तो इसी कारण से ही जैसे ही कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाकर वो छोटी गोलियों वाले पत्ते ले आते हैं। अगर हमें कोई बुजुर्ग कहे कि अगर आपको चोट लगी है तो ऊपर हल्दी लगा लो, तो हम लोग कहेंगे नहीं, हम तो डॉक्टर से कोई ट्यूब लेकर आएंगे। दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ा कारण है जिस कारण से आजकल इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं। दोस्तों ये जो आज की मेडिकल साइंस है ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट इस मामले में नहीं कि ये बीमारियों को ठीक करती है, इंटेलिजेंट इस मामले में ताकि रोगी को पता ना चले कि उसे कौन सी दवाई लेनी है। दरअसल दोस्तों ये जो मेडिसिन हैं इनके नाम आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। इनके अंदर क्या डाला हुआ है यानी क्या सॉल्ट्स है, उसके नाम इतने मुश्किल रखे जाते हैं कि कोई इंसान इसे समझ ही ना सके। और जो हमें बीमारियां होती हैं उनके नाम भी ऐसे रखेंगे कि बीमारी का नाम सुनकर ही हमें लगेगा कि हे भगवान, शायद बहुत ही कोई बड़ी बीमारी है। लेकिन दोस्तों ये जो बीमारियां हैं ये बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम अपने आप ही घर में सही कर सकते हैं। हमारे घर की किचन में ऐसी ढेरों औषधियां हैं जिनके साथ आप अपनी हर बीमारी, फिर चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसे आप ठीक कर सकते हैं। हमारे घर में ये जो पीली हल्दी है ये कैंसर का सबसे बड़ा इलाज है। क्या आपको पता है अमेरिका में कैंसर के ऊपर हल्दी के ऊपर कई पेटेंट्स हो चुके हैं। हल्दी के अंदर का करक्यूमिन हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स को खत्म करता है। इसके अलावा आज मैं आपको जीरे के बारे में बताने वाला हूँ। जीरा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे हम अपनी सब्जी में जरूर इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग इसे भूनकर दही में भी खाते हैं। लेकिन हम लोग जीरे का अगर सही ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो शायद इससे बड़ी दवा कोई और हो ही ना। वो बीमारियां जिससे आजकल हर दूसरा व्यक्ति परेशान है, जैसे कि डायबिटीज, बालों का झड़ना, मोटापा और न जाने कितनी प्रॉब्लम्स, जिनको आप सिर्फ जीरे के जरिए ही सही कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको जीरे को किस तरह से खाना है वो बताऊंगा और उससे कौन कौन सी बीमारियां खत्म होंगी ये सब बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो के साथ बने रहें ताकि आप अपने परिवार को और खुद को स्वस्थ रख सकें। क्योंकि दोस्तों फ्री में आज की एडवाइस आपको मिलने वाली है और जीरा हर घर में है, कहीं और जाकर मेडिसिन लाने की जरूरत भी नहीं है। क्या आपको पता है जीरा हमारी बॉडी में पित्त दोष को दूर करता है और इंसान की बॉडी में ज्यादातर बीमारियां पित्त दोष के इम्बैलेंस होने से ही होती हैं। आजकल की मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग तो बीमारियां हजारों हैं, लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बीमारियां तो तीन ही हैं, वात, पित्त और कफ। अगर वात इम्बैलेंस होगा तो ढेरों बीमारियां होंगी, अगर पित्त इम्बैलेंस होगा तो भी ढेरों बीमारियां होंगी, और अगर कफ इम्बैलेंस होगा तो भी ढेरों बीमारियां होंगी। तो आपको इन ढेरों बीमारियों को ठीक नहीं करना, सिर्फ वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस रखना है। अगर आपकी बॉडी में पित्त बढ़ जाए तो पित्त से रिलेटेड आपको 80 रोग होते हैं। अब अगर आयुर्वेद की माने तो आयुर्वेद कहता है कि पित्त को बैलेंस कर लो, 80 रोग अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज की मेडिकल साइंस उन 80 रोगों को ठीक करने के लिए आपको 1000-2000 तरह की दवाइयां देगी। तो दोस्तों इसीलिए आज पित्त रोग को दूर करने के लिए जो जीरा है उसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों पित्त को बहुत से लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ये है क्या। दोस्तों पित्त को आप समझ सकते हैं एसिडिटी। एसिडिटी यानी कि बॉडी में एसिड की मात्रा का बढ़ जाना। अगर आपके खून में एसिड ज्यादा हो जाए तो इसे आप पित्त का रोग कह सकते हैं। पित्त यानी आपकी बॉडी में गर्मी का बढ़ जाना। गर्मी बढ़ने से आपकी बॉडी में 80 से ज्यादा बीमारियां होती हैं। और इन बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारियां हार्मोन से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही आपकी बॉडी में पित्त बढ़ेगा तो हार्मोन्स इंबैलेंस होने लगेंगे और हार्मोन्स इंबैलेंस होने से आपको डायबिटीज होगी, आपको थायराइड होगा और न जाने कितनी बीमारियां होंगी। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जीरा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करने में मदद करता है। इसके अलावा जीरे में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आयरन है, कॉपर है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, जिंक है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को स्वस्थ बनाने में मदद करती हैं। चलिए पहले ये जानते हैं कि जीरे को आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि आप इसके सही में फायदे ले पाएं। दोस्तों आपको 50 ग्राम जीरा लेना है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, 25 ग्राम और 25 ग्राम। इसमें से 25 ग्राम जीरे को आपको भून लेना है। अब आपने क्या किया है, आपने आधा जीरा भून लिया है। अब आपको दोनों 25 ग्राम जीरे को मिक्स करके इसका पाउडर बना लेना है, यानी कि ये आपका आधा भुना हुआ जीरा हो जाएगा। ये पाउडर आपकी बॉडी को स्वस्थ करने का काम करेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप सुबह उठें तो सुबह उठते ही एक गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर आधा चम्मच इस पाउडर का डालिए और उसे 10 मिनट तक अच्छे से उबालिए। इसके बाद आपको बिना छाने इस पानी को खाली पेट पीना है। दोस्तों अगर आप इस जीरे के पानी को इस तरीके से पीते हैं तो आपकी बॉडी के लिए ये एक बहुत बड़ी औषधि की तरह काम करेगा। जैसे ही आप इसे पिएंगे तो ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बैलेंस करेगा, जिससे सबसे पहला आपको फायदा आपके
वजन कम करने में होगा। अब आजकल लोग अपने वजन को लेकर बहुत परेशान हैं। बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग का मतलब लोग समझते हैं कि भूखे रहना। दोस्तों डाइटिंग का मतलब भूखे रहना नहीं, डाइटिंग का मतलब सही खाना होता है। हमारा वजन ना खाने से कम नहीं होता, हमारा वजन सही खाने से कम होता है। दोस्तों अगर आप इस जीरे के पाउडर को सुबह खाली पेट लेना शुरू करते हैं तो आप एक महीने में 5 से 10 किलो तक वजन बिल्कुल आसानी से कम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जीरा हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। आजकल हम लोग दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में बहुत सुनते हैं। हर दूसरा तीसरा इंसान दिल से जुड़ी हुई बीमारियों की बात करता है। हार्ट अटैक की हम कितनी खबर सुनते हैं। दोस्तों अगर आप अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप जीरे का ये पाउडर आज ही बनाइए और सुबह लेना शुरू कीजिए। जीरे के इस पाउडर का सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से आपका दिल स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप दिल की बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। नहीं तो अगर आपके दिल में ब्लॉकेज होगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर आपके दिल में एक स्टंट डालेगा। अब ये स्टंट दोस्तों 5 रुपए का आता है, लेकिन इसे 2.5-3 लाख रुपए में डाला जाता है। और दोस्तों स्टंट का ये जो इलाज है ये भी परमानेंट नहीं है। अगर आप आज स्टंट डलवाते हैं तो कुछ सालों बाद इसके आसपास फिर से कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाएगा और फिर से ब्लॉकेज हो जाएगी और दोबारा से स्टंट डलवाना पड़ेगा। और जब आप दूसरी बार स्टंट डलवाएंगे तो उसके बाद तीसरी बार आपको बाईपास सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आपने जो बीमारियों के पीछे का कारण था उसे सही नहीं किया। दोस्तों ये जो सारी बीमारियां हैं, फिर चाहे वजन का बढ़ना हो या दिल की बीमारियां हो, इनके पीछे का कारण आपका इनडाइजेशन होता है। ज्यादातर दुनिया को कब्ज रहती है क्योंकि हम लोगों का खान पान ही गलत है। अगर कब्ज है तो आपके शरीर में बीमारियां आएंगी ही। अब अगर आप कब्ज का इलाज नहीं करेंगे तो चाहे आप जितना मर्जी अपनी बीमारियों का इलाज कर लें, वो बीमारियां फिर से बड़ी बनकर आपके सामने आएंगी। दोस्तों अगर आप जीरे के इस पाउडर को सुबह खाली पेट लेते हैं तो इससे आपकी कब्ज की प्रॉब्लम दूर होगी, आपकी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम दूर होगी, क्योंकि जीरे में ढेर सारा फाइबर होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, हमारी आंतों को मजबूत करता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। क्या आपको पता है आज के समय में 50% से ज्यादा लोगों की बॉडी में खून की कमी है, क्योंकि दोस्तों आजकल ये जो बर्तनों में हम खाना बनाते हैं वो लोहे के नहीं है। ये जो बर्तन आजकल हम यूज करते हैं ये नॉनस्टिक और एल्यूमिनियम के हैं। इसके कारण से कैंसर का खतरा भी बढ़ गया है। पुराने जमाने में लोग लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और उससे उनकी बॉडी में आयरन की कमी कभी नहीं होती थी, लेकिन आजकल हम लोग खुद को मॉडर्न समझते हैं और नई नई चीजें लेकर आते हैं जिससे हमारी बॉडी को नुकसान ही होता है। दोस्तों जीरे के इस पाउडर का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करने से आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर के फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करते हैं। दोस्तों ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में कैंसर पैदा करते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रोसेस चलती रहती है और इन प्रोसेसेस के कारण हमारी बॉडी में कई एटम्स रिलीज होते हैं जिनके अंदर आउटर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि वो एटम्स अनस्टेबल होते हैं और वो खुद को स्टेबल करने के लिए हमारी बॉडी के एक्टिव सेल्स पर अटैक करते हैं, जिससे कि उस पार्ट में कैंसर हो जाता है। जैसे ही आप जीरे का सेवन करते हैं वैसे आपके जीरे के अंदर के एंटीऑक्सीडेंट्स आपके उन अनस्टेबल एटम्स को अपना इलेक्ट्रॉन देकर उन्हें स्टेबल करते हैं। दोस्तों है थोड़ी टेक्निकल बात, लेकिन इससे अगर अच्छे से समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे जीरा आपकी बॉडी में काम करता है। नहीं तो आपको ये लगेगा ये जो जीरा है ये तो घास फूस है, लेकिन ये जो डॉक्टर की टैबलेट्स हैं ये शायद कोई मैजिकल काम करती हैं। दोस्तों ये जो जीरा है ये किसी भी दवा से कम नहीं है। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम एक जीरे के जरिए अपनी बॉडी की कितनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हम आपको ऐसे ही कई और वीडियोस में बताते हैं कि कैसे आप किचन में पड़ी हुई चीजों से ही बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन लोगों को कोई थ्रिल चाहिए, उन्हें चाहिए कि हमें कोई ऐसा मैजिकल फॉर्मूला बता दो जो काफी साइंटिफिक हो, शायद उनको लगता है वही चीजें काम करती हैं। दोस्तों जिंदगी में छोटे छोटे खाने पीने के नियम ही बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। अब पानी से जुड़ा हुआ छोटा सा नियम है कि पानी को धीरे धीरे घुट घुट करके पीना चाहिए, पानी को ठंडा नहीं पीना चाहिए। अब अगर आप इन दो चीजों को ही अपना लेते हैं तो आपको घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, मोटापा ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आज के समय में मोटापे का सबसे बड़ा कारण ही ठंडा पानी पीना है। जापान में 99% लोग पतले हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि जापान के लोग गर्म पानी पीते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को समझेंगे और जीरे को अपनी डाइट में शामिल करेंगे और खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे। दोस्तों ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स के लिए आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।